हेट कमेंट में बोलता हूँ, पहले तो मैंने स्काउट और मॉडल का क्लियर कर दिया, ठीक है। वो दोनों आप, वो बड़े लोग मतलब बड़ी बड़े नाम के पीछे भागना छोड़ो, ये जो मैंने डाला था आप वही बात मत लेके पकड़ो, क्योंकि मॉर्टल और स्काउट मेरे कितने दिल के करीब है और वो मैं उनके कितने दिल के करीब हूँ वो तुमको नहीं पता है गाइज। वो मेरे दोनों भाई जैसे, तो आ उसके बाद में बहुत सारे लोग भी आते हैं जिन मतलब जिनका मैं बात करता हूँ, उन लोगों ने प्रूव किया एवरी टाइम, मतलब हर टूर्नामेंट में प्रूव किया उन लोगों ने, ठीक है। और रही बात अभी बाकी सब चीजों की, और नहीं जाना था क्या? मतलब तू टीम चोर है, हाँ अभी बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि ये घातक टीम चोर है, घातक बोलता है ये टीम चोर वो टीम चोर, तो अभी उस पे आते हैं। टीम चोर, मैंने टीम चोर मुझे बोला, ठीक है। नियो मेरे साथ खेलता था, हम दोनों ने मिलके टीम बनाई, उसको उसको जाके उसको कभी भी पूछना कि उसको पहले कस्टम्स में एक टाइम ऐसा आया था कि वो लिटरली रोया था, हमें बोला मैंने मेरे से कस्टम नहीं होगा, उसको मैंने बार बार मोटिवेट किया, उसको मैंने खिलाया, बाद में हम लोगों ने ओआरबी को #6 पे लाया, पीएम शो स्क्रीम इसमें किसमें रीजनल फाइनल में इंडिया में। नहीं नहीं मैंने बढ़िया। माइक बंद रखा है, बंद रखा है मैंने माइक। तो उसके बाद ये टूर्नामेंट खत्म होने के बाद मैंने देखा कौन से अभी अभी मुझे बात बताओ, वो टाइम पे जोनाथन का टीम टॉप 32 से आउट हो गया था, ठीक है। वो टाइम पे मैंने जोनाथन को लिया, जोनाथन के साथ 2 ढाई महीने मैंने वर्कआउट किया, 2 ढाई महीने उसके साथ मैंने प्रैक्टिस किया, उसको भी बहुत सारी चीज़ें उसमें मतलब जो खामियां थी, मतलब उसका गेम प्ले तो पहले से अच्छा ही था, बट उसमें जो भी रिकॉर्ड है थोड़ी सी जो भी चीज़ें थी जो उसको सीखनी थी वो मैंने मेरे ट्राइब से उसको तो सिखाया, रहा। ठीक है। तो एनिमीज़ ये चीज़ हो गई, तो अभी मेरा जोनाथन हो गया, मैं हो गया, नहीं हो गया। अमन का तो आपको पता है, अमन ने खुद बताया कि भाई उसको वो टाइम पे टीम की जरूरत थी, तो उसका और हमारा कुछ सीन ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी मुझे एक बात बताओ, टीम चोर की बात, अभी मैं गॉड की बात, अभी गॉड गॉड पहला गॉड का क्लियर करता हूँ, बाद में मैं क्लच गॉड का क्लियर करता हूँ। मेरा आगे टीपी भी ले रहा है अबे उसके पीछे। बढ़िया भाई क्या बचा भाई, मैं तो गॉड का कैसे क्लियर करता हूँ, गॉड को मैं जीरो जीरो डिग्री ने परफॉर्म करने से पहले 2 ढाई महीने पहले मैंने उसको ये किया था, अप्रोच किया था, और उसके बारे में मैंने बोला था कि भाई वो बंदा आगे जाके बहुत मारेगा, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ कि इधर येलो कंट्री के पीछे तो वो चीज मैंने पहले ही बोल दी थी, ठीक है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मेरी कहाँ पे गलती आती है, उसको मैंने लिया कब लिया, मैंने 0 डिग्री का जो कैप्टन है सूर्या, वो जो मेरा भाई जैसा बंदा है, वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, उनका कुछ इश्यू हुआ तब मैंने उसको लिया, जब 0 डिग्री से उसको ऑफिशियली टीम से बाहर निकाला था, मैंने उसको पहले नहीं लिया यार, तुम लोग बोलते हो टीम चोर, तो ठीक है। अभी 0 डिग्री, ये गॉड की बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आते हैं अपन क्लच गॉड पे, ठीक है। क्लच गॉड, अभी मैं बोलता हूँ, मैं पहले मेरे बारे में बोलता हूँ, मैं पहले मेरे बारे में बोलता हूँ, मेरा अभी ये देखो, ये जो बंदे मेरे सामने खड़े हैं ना, मेरा जोनाथन हो गया, ये गॉड हो गया, नियो हो गया, क्लच गॉड हो गया, इनके जैसे स्किल्स मेरे नहीं है, मैं खुद बोलता हूँ तुमको, इनके जैसे स्किल्स मेरे नहीं है, मेरे पास सिर्फ दिमाग है, ठीक है। मैं सिर्फ क्लोज एनकाउंटर में मार सकता हूँ, क्लोज एनकाउंटर में अच्छा मार सकता हूँ, इनके जैसा स्प्रे, इनके जैसे रिफ्लेक्सेस मेरे नहीं है, मैं ये चीज एग्री करता हूँ। और ये चीज के साथ मैं ग्लोबल टीम में रह के आगे आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे बंदे, मेरे जो दोस्त, मेरा भी जो जोनाथन नियो हो गया, ये गॉड हो गया, ये लोग मुझे आने वाले टाइम में मतलब ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, आने वाले टाइम में अगर ये मुझे बोलेंगे कि घातक तेरे वजह से हार गए, तो ये चीज मेरे को कैसे लगेगी, तो मुझे ये चीज नहीं चाहिए थी। तो मैंने क्या सोचा कि ठीक है मैं वीक गिर रहा हूं ना, तो मैं ही हट जाता हूँ साइड में, और एक ऐसा बंदा देता हूँ कि भाई जो बंदा आके टीम में एक अच्छी ये लाए, ठीक है। लोग मुझे अभी बोलते हैं कि क्लच गॉड में उतना दिमाग नहीं है, पर उसके पास गेम है, दिमाग आने के लिए अभी मैं उनको बूट कैंप पे बुलाऊंगा और उनका ट्रेनिंग लूंगा, जितना मेरे से होता है मैं उनका ट्रेनिंग लूंगा। किधर 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 की बात बोल रहे हैं, आज के टूर्नामेंट की? तूने 11 किल लिए थे, तूने अकेले ने एक मैच में? एपीपी के मैच में आपने 9 किल थे, 9 या 8 किल थे, उतने किल थे और जीत गए अपन 18 पॉइंट से जीत गए, वो 18 पॉइंट से जीत गए, 18 पॉइंट से जीत गए, हमारे कितने थे 1, हाँ बट उसने बोला कि 18 पॉइंट से जीत गए। हाँ तो तो ये देखो, अभी फिर से माइक बंद करता हूँ।
तो जहाँ पे स्किल्स की बात आती है उनके जैसे स्किल्स मेरे नहीं है, ठीक है? तो उनके जैसे स्किल्स अगर मैं करना भी चाहूँ तो मुझे टाइम लगेगा, और अभी 2020 में बहुत बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स आने वाली है। तो क्लच गॉड और इनकी दोस्ती बहुत पहले से अच्छी हुई है, और सिनर्जी क्या होता है, सिनर्जी मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग होता है। गेम प्ले तो इनका तगड़ा है ही, ठीक है? क्लच गॉड को इश्यूज थे टीम के साथ, क्लच गॉड को उनके, एक सेकंड, उनके मैनेजमेंट के साथ इशू नहीं थे। मैनेजमेंट सब 8-bit का सबसे ओपी है, सबको पता है, सबसे अच्छा मैनेजमेंट है। और गोल्डी दादा, थग भाई एकदम रिस्पेक्टेड और एकदम अच्छे, जो बहुत केयर करते हैं लोगों की, ठीक है? तो वहां पे उसे कुछ इशू नहीं था, उसको बस ऐसा टीम चाहिए था जो मार सकता है, ठीक है? तो ये टीम, मैं वही बोलता हूँ कि टीम उनको उसको मारने वाला चाहिए था। इनको भी न्यू जोनाथन को भी मेरे दिमाग में था कि ऐसा एक बंदा दो जो आइजल का कैपेसिटी भी हो उसमें और मार भी अच्छा सकता है, तो ये मेरे दिमाग में था। पीएमएस में तो मेरा भी मन करता है गाइस खेलने का, लेकिन मैं वो छोड़ के, मैं ये सब चीजें छोड़ के मैंने सोचा कि भाई मुझे ऐसी टीम प्रोवाइड करनी है जो आने वाले टाइम में मार सके। ये लोग मेहनत करते हैं, दिखती नहीं है आपको इनकी मेहनत करते। मैं रात रात दिन रात हम लोग एक करते हैं, बंदे बोलते तू टीम चोर रहे है, मतलब कुछ बंदे हैं, बाकी बंदे अप्रिशिएट करते हैं ऑब्वियस, नो 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 डाउट। कुछ बंदे बोलते हैं तू इनको उल्टा सुल्टा बोलता है, अरे वो चीज नहीं है गाइज। मैं यार मैं भी तुम्हारे मतलब जो आज बंदे जितना कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सब मैं भी तुम्हारा ही पार्ट था पहले, ठीक है? मुझे पता है चीजें कैसे वर्क करती है। तो भाई मैंने मेहनत की है, सब लोगों ने मेहनत, उन लोगों ने भी मेहनत की है, उन लोगों को देख के मैं बड़ा हुआ गेमिंग में, ठीक है? गेमिंग में तो मैं वही बोलता हूँ कि मुझे क्या हक बनता है उनके बारे में कुछ बोलने का, समझो?